hello everyone welcome back to my channel today we are going to discuss limitations of organizational behavior following points bring out the limitations of the ob first one is only descriptive but not prescriptive okay? unwanted stress on human relations third one is not for uh, not the only final answers to problems ignoring inter employees interest unaffected industrial unrest more stress on theory सेवंथ वन इज डबल रोल ऑफ मैनेजर्स अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं ये पॉइंट्स फर्स्ट वन इज ओनली डिस्क्रिप्टिव बट नॉट प्रिस्क्रिप्टिव क्या कह रहे हैं कि जो ओबी है ना उसमें सिर्फ और चीज़, सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है ना कि प्रिस्क्रिप्टिव है प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये चीज़ नहीं बताई गई है बट बत ये बताया जाता है कि यहाँ पर ये इश्यूज अराइज होते हैं ठीक है चलो एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं ओ बी इज प्राइमरली क्रिटिसाइज बाई कॉलिंग इट ओनली डिस्क्रिप्टिव एंड नॉट प्रिस्क्रिप्टिव इन दिस कंटेक्सट इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओ बी प्लेज ओनली द रोल ऑफ पैथोलॉजिस्ट नॉट अ डॉक्टर देखो ओ बी है ना जो ओ बी किसका रोल प्ले करती है पैथोलॉजिस्ट का डॉक्टर का रोल प्ले नहीं करती है अब क्वेश्चन मार्क यह होता है कि पैथोलॉजिस्ट कौन होता है पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो प्रॉब्लम को डिस्कवर करता है है ना बट जो प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है कैसे उसको दूर करना है वो काम होता है डॉक्टर का ठीक है तो सिमिलरली क्या बोला गया ओ बी लाइक अ पैथोलॉजिस्ट सिंपली डिस्कवर्स द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, बट इज ऑलमोस्ट हेल्पलेस इन प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स ठीक है तो बिल्कुल ही वो मतलब कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता किसका ओबी का कि वो उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे ओबी कैन टेल अस एज टू हाउ पीपल शुड बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट कैन नॉट हेल्प इन चेकिंग एनी अनडिसाइरेबल बिहेवियर सिंपल है नाउ सेकंड वन इज अनवांटेड स्ट्रेस ऑन ह्यूमन रिलेशंस क्या कह रहे हैं ओबी के ऊपर ना बहुत देखो ओबी में क्या होता है जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास मतलब कलेक्ट हो जाती है ना एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड वन तो उस टाइम पे क्या होता है जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके अनफेवरेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं आप खुद सोचो ना अगर आप एज अ स्टूडेंट पढ़ भी रहे हो है ना तो अगर आपके पास जो स्टडी मटेरियल है एक्सेस हो जाए तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे ना कि कहाँ से मुझे रीड करना है किस चीज़ को मुझे इम्पोर्टेंट मार्क करना है मतलब आपके लिए भी वो रेलिवेंट नहीं होता तो सेम केस हमारा ओ में है क्या कहते हैं वेन ओ गेट्स मोर देन द रिक्वायर्ड अटेंशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन द रिजल्ट आर यूजअली अनफेवरेबल देखो जब आप बार बार एक ही चीज़ फोकस रखोगे कि मुझे अपने एम्प्लॉयज का बिहेवियर जानना है मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को देखना है कि कैसे रिएक्ट करते हैं उन्हें कंट्रोल करना है उनके बिहेवियर को प्रडिक्ट करना है तो कहीं ना कहीं ना आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो भी क्या हो जाते हैं थोड़ा मतलब प्रेशर में आ जाते हैं या डिससेटिस्फाई हो जाते हैं है ना तो जो भी रिजल्ट होंगे वो आपके अनफेवरेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं इन सच अ सिचुएशन मोर अटेंशन इज पेड टू द एनासिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इम्प्लॉयज This leads to the feeling of despair and protest among them. They start protesting against Ob. Consequently, the supporter of Ob have to face failure. तो इससे होता क्या है, जो आपके Ob के supporter हैं ना, जो support करते हैं कि Ob सही direction में लेके जाता है एक employee को, वो भी उन्हें भी अपना failure face करना पड़ जाता है, ठीक है? Third one is not the only final answers of problem. क्या कहते हैं कि सिर्फ सिर्फ ओबी को स्टडी करना ही आपके लिए सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन नहीं होता और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच यू हैव टू टेक कंसिडर राइट चलो क्या कहते हैं मेनी क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट ओबी इज नॉट द फाइनल रेमिडी टू द प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट सिंपली पेव्स द वे टू करेक्टिव एक्शन रादर देन सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स ऑफ रूटिंग आउट द प्रॉब्लम्स हेंस इट इज रॉन्ग टू सेट प्रॉब्लम्स आर राइजिंग आउट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन दर्गेनाइजेशन विल बी एलिमिनेटेड बाई ओ बी देखो ये क्या कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब वे है जो ये बताता है कि कैसे करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा है ना कि प्रॉपरली सजेशंस नहीं देते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हो ठीक है तो इसीलिए कोई गलत नहीं अगर आप ये बोल देखो अगर आप ये कहते हो ना कि ओबी से आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है ऐसा नहीं होता एलिमिनेट नहीं कर सकते हो आप कंप्लीटली फोर्थ वन इज इग्नोरिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट देखो क्या कहते हैं द क्रिटिक्स ऑफ ओ बी ऑल्सो होल्ड एन ओपिनियन दैट इट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द इम्प्लॉयज एंड

Uh, उनके बिहेवियर्स को एनालाइज करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे अकॉर्डिंगली हम अपनी टेक्निक्स को मतलब कि इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें मोटिवेशन किस मेथड से करना है कौन सा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कम्युनिकेशन किस मेथड से करें हम लीडरशिप के क्या स्टाइल्स अडॉप्ट करें हम तो देखो ये बोलते हैं बट एक्चुअल में क्या होता है मैनेजर्स उन्हीं टेक्निक्स को उन्हीं सिस्टम ऑफ मोटिवेशन कम्युनिकेशन लीडरशिप को अडॉप्ट करते हैं जिनसे उन्हें पर्सनली बेनिफिट होता है ठीक है एक बार देखते हैं मैनेजर्स इंट्रोड्यूस ओनली दो सिस्टम ऑफ मोटिवेशन कॉम्युनिकेशन एंड लीडरशिप विच एडवांस देयर ऑन इंटरेस्ट क्लियर फिफ्थ वन इज अनफेक्टेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट देखो क्या कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओ बी सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड अदर एक्टिविटीज विच बैडली प्रोडक्शन देखो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को मींस जो भी आपके इंडस्ट्री में जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन uh, में डिस्प्यूट्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिमूव करने में उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा ठीक है जिससे आपकी प्रोडक्शन वगैरह को सबको हिंडर होना पड़ रहा है सफर करना पड़ता है बट अगर हम रियलिटी की बात करें ना आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ओबी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैव नॉट बीन ऑबटेन्ड बट स्टिल आप जितने मर्जी ओबी के प्रोसेस लगा रहे हो बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना वही ऑप्टेन नहीं होते ठीक है इवन टुडे, द सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्राइक्स लॉकआउट्स एट्सेट्रा इज स्टिल परसिस्टिंग हालांकि देखो वो भी हमने देखो ये बोला है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मींस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना तो 99 परसेंट आप अपनी जो भी इश्यूज हैं जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेते हैं है ना बट ऐसा नहीं होता स्टिल आप स्ट्राइक्स देखते हैं स्टिल आप लॉकआउट्स देखते हैं तो यही बोला गया अनअफेक्टेड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जो इंडस्ट्रीज में अनरेस्ट है आपका ठीक है या जो पीसफुल नहीं है ठीक है वो ऐसे ही आज भी चल रही है ऐसे ही आज भी परसिस्टेंट है सिक्स वन इज मोर स्ट्रेस ऑन थ्योरी देखो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया गया है जो भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकली ही रह जाते हैं उसे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं ना प्रैक्टिकली तो वो एज सच इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होते जनरली इट हैज बिन ऑब्जर्व दैट मोर स्ट्रेस इज लेड अपॉन थ्योरी और कंसेप्ट रादर देन प्रैक्टिकालिटी देयर इज नो डाउट दैट फार्मूलाज आर सजेस्टेड अंडर ओ बी बट देर इज़ नो गाइडेंस अबाउट यूजिंग दैम देखो फार्मूलाज बता दिए आपको कि आप इस सिचुएशन को ऐसे ऐसे ये फार्मूला ये मेथड लगाओ और इसको सॉल्व कर लो बट एक्चुअल में कोई भी गाइडेंस नहीं दी जाती कि इन फार्मूलाज को यूज़ कैसे करना है देखो आपको मैं फॉर्मूला बता दूं कि इस ये मेथड है ये आपको डाटा की फॉर्मुला बुट करो आंसर आ गया बट आपको फॉर्मूला के बाद कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना बेसिकली तो सेम यहां पर है आपको वो भी नो no डाउट ये सजेस्ट करेगा कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज लगानी है बट उसे इम्प्लीमेंट तो करना आना चाहिए ना वो उसकी कोई गाइडनेस नहीं होती ठीक है इसीलिए बोला गया मोर स्ट्रेस ऑन थ्योरी प्रैक्टिकल के ऊपर कोई फोकस नहीं है आपको थ्योरेटिकली वे में पढ़ाया जाता है सब कुछ सेवंथ वन इज डबल रोल ऑफ मैनेजर्स देखो जनरली क्या देखा जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना वो ज्यादा ज्यादा फोकस करते हैं टूवर्ड्स टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द इम्प्लॉयज है ना जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज होते हैं ना उनको कहा जाता है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओ सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो चेंज ला सकें बट दे डू नॉट अलाउ एनी चेंज इन देयर ओन बिहेवियर और एटीट्यूड तो अपने बिहेवियर में अपने एटीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं लाते ठीक है दिस डबल रोल ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर इज अ बिगेस्ट वीकनेस अमंग द मैनेजर्स देखो आप ये चीज बोलते जा रहे हो अपने इंप्लॉयज को कि आपको ऐसे करना है आपको ऐसे करना है बट वही चीज आप अपने में तो इम्पलीमेंट नहीं कर रहे हो है ना तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 100% परसेंट श्योरिटी है कि ग्रो करेगी या डेवलप करेगी ठीक है ये आपके कुछ सेवन पॉइंट्स थे आपके लिमिटेशंस ऑफ ओबी के एक बार क्विक डी देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स किए हमने फर्स्ट आपने किया है ओनली डिस्क्रिप्टिव बट नॉट प्रिस्क्रिप्टिव सेकेंड वन इज अनवांटेड स्ट्रेस ऑन ह्यूमन रिलेशन थर्ड वन इज नॉट द ओनली फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम्स फोर्थ इग्नोरिंग एम्प्लॉइज इंटरेस्ट फिफ्थ वन इज अन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट सिक्स्थ वन इज मोर स्ट्रेस ऑन थ्योरी एंड द सेवंथ वन इज डबल रोल ऑफ मैनेजर्स I hope you like this video, thanks and have a wonderful day.